तो भाई थाला कैरेक्टर फाइनली थाला कैरेक्टर आ चुका है और आप लोगों को थाला कैरेक्टर मिलने वाला है तो कैसे मिलेगा भाई, यहाँ पे देख पा रहा हूँ थाला कैरेक्टर, ये थाला कैरेक्टर। अब भाई फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड भी न्यूज़ सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा और भी काफ़ी सारा इवेंट्स निकल के आ रहा है, हमें सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा। और यहाँ पे भाई आप लोग पूछते हैं भाई नेक्स्ट मैजिक क्यूब कब अपडेट होगा, मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर क्या अपडेट होने वाला है, सारा कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। भाई हमारा होली इवेंट्स रिलेटेड भी आप लोगों को पता लगेगा, तो बहुत सारा इवेंट्स के बारे में आप लोग वहाँ से इस वीडियो में बताऊंगा। चलो भाई वीडियो करते हैं, बहुत सारा अमेजिंग है। तो भाई सबसे पहले तो कल हमारा आने वाला है लकी व्हील, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये गाइस लकी व्हील हमारा आने वाला है कल, जो कि डिस्कॉन इवेंट है। डिस्कॉन इवेंट को आप लोग अगर देखोगे इसके अंदर आप लोगों को वॉकिंग वाला जो ये वाला देख पा रहे हो इमोट होने वाला है, और भाई यहाँ पे ये वाला जो आप लोग बंडल देख पा रहे हो स्टेट वाई बंडल, तो भाई जो आप लोग को चाहिए था स्टेट वाई बंडल भी होने वाला है। स्टेट वाई बंडल के साथ साथ मियो मियो थीम के ऊपर बंडल भी आने वाला है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो ये न्यू वाला बंडल है, और भी काफी सारा अमेजिंग रिवॉर्ड्स होगा। तो भाई फाइनली आ रहा है भाई लकी व्हील, अगर आपका ऊपर लक रहा तो भाई अगर 9 डायमंड के अंदर लग जाए तो भाई मिल जाएगा। वैसे गाइस लकी व्हील आ रहा है कल आ रहा है वैसे कल के लिए डेट तो निकल के आया है, अगर कल नहीं आते तो फिर परसों हमें कंफर्म देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो कि हमारा लकी व्हील है। और भाई अगर हम लोग स्टोर के अंदर 50% ऑफ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे रमजान स्पेशल स्टोर के अंदर 50% ऑफ निकल के आ ही चुका है, यानी आप लोग को देखने को मिलेगा। रमजान स्पेशल इवेंट होने वाला है जिसके अंदर आप लोग को इमोट जो है इस सभी में आप लोग को 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा, यानी इमोट के अंदर सारा इमोट जो है ये सारा इमोट में आप लोगों को 50% ऑफ देखने को मिलेगा, कुछ इमोट को छोड़ जो बैकपैक्स है बैकपैक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, लूट बॉक्स हो गया, कार स्किन हो गया, भाई यहाँ पे अवतार बैनर्स और जितने भी है भाई स्टोर के अंदर आप लोगों को म्यूजिक सीरीज सारा कुछ में आप लोगों को 50% ऑफ देखने को मिलेगा। ये रमजान स्पेशल है और रमजान स्पेशल हमारा 50% ऑफ निकल के आ चुका है, यानी रमजान पे ही देखने को मिलेगा, जो कि गाइस हमारा रमजान इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा हमारा रमजान स्पेशल इवेंट। तो रमजान इवेंट से हमें जो कि 50% ऑफ देखने को मिलेगा स्टोर के अंदर, जो आप लोगों को चाहिए था भाई कि कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली हमारा रमजान इस इवेंट पे आ रहा है भाई रमजान इवेंट पे। ओके काफी सारे कमेंट्स ये भी है कि हमारा रमजान पास इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि 99 डायमंड से हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हमें देखने को मिलेगा रमजान पास। तो यस भाई रमजान पास इवेंट भी आने वाला है, इस बार भी आप लोगों को रमजान पास देखने को मिलेगा, और रिवॉर्ड्स जो रमजान पास के अंदर होने वाला है वो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि हमारा रमजान पास के अंदर कौन सा रिवॉर्ड्स होगा, वो जो कि गाइस रमजान पास आने वाला है। अगर रमजान पास आ जाता है फिर होली पास नहीं आएगा, आप लोग ये भी पूछ रहे हो कि होली पास आएगा, अगर होली पास आता है तो फिर रमजान पास नहीं आएगा, होली पास आएगा, समझ रहे हो, ये दोनों में से एक ही आएगा यार, आएगा एक ही पास लेकिन आने वाला है। फाइनली हमारा होली इवेंट आने वाला है, तो होली इवेंट गाइस कमिंग सून हो चुका है, तो होली इवेंट हमें देखने को मिलेगा। अब होली इवेंट आने वाला है तो भाई होली इवेंट से आपको फ्री में मैच क्यूब भी मिलेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, तो साफ साफ यहाँ पे देख लो भाई ये होली इवेंट का फ्री का मैच क्यूब है, आप लोग को फ्री में मैच क्यूब मिलेगा, यानी होली इवेंट से हमें एक फ्री में मैच क्यूब मिलेगा। कुछ जगह गाइस हमें किल चैलेंज या कुछ मिनट खेलने का, या फिर गाइस लॉगिन यानी लॉगिन 3 दिन लॉगिन या फिर 1 दिन लॉगिन 1 डे लॉगिन पे आप लोग को मैच क्यूब मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मैच क्यूब हमें मिल जाएगा भाई, आप लोग को मैच क्यूब मिल जाएगा भाई, पर मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट होगा क्या भाई, वही तो पुराना चीज है भाई, क्या हम लोग लिए मैजिक क्यूब स्टोर थे, तो यहीं पे आता है भाई कि हमारा मैजिक क्यूब स्टोर भी अपडेट होगा, यानी होली स्पेशल मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट देखने को मिलेगा। अगर होली स्पेशल होगा तो सिर्फ 1 डे यानी लिमिटेड टाइम के लिए होगा भाई, लिमिटेड टाइम के लिए होगा, और इसके अंदर बहुत सारा हमें उसी दिन देखने को मिल जाएगा अपडेट होली स्पेशल, जिसके अंदर भाई बहुत सारा बंडल्स हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है और कभी भी आया नहीं है, वो सब बंडल देखने को मिलेगा न्यू समझ रहे हो, जो कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यही सब हमें बंडल देखने को मिलेगा मैजिक क्यूब के अंदर। तो रेडी हो जाओ भाई, फ्री में मैजिक क्यूब भी मिलेगा, मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट भी होने वाला है, तो पूछ भी रहो कि मैजिक क्यूब स्टोर कब अपडेट होगा, तो मैजिक क्यूब स्टोर होली स्पेशल उसी टाइम होने वाला है भाई। अब यहाँ पे बात आता है कि रमजान इवेंट भी तो आ रहा है, तो रमजान इवेंट पे नहीं होगा क्या भाई, तो देखिए यार रमजान इवेंट बीडी सर्वर भी अपडेट नहीं हुआ गया, यहाँ पे नेपाल सर्वर भी अपडेट नहीं हुआ गया, तो देखिए यार रमजान इवेंट से नेपाल सर्वर बीडी सर्वर पे रमजान इवेंट से फ्री में मैजिक क्यूब मिलने वाला है भाई। देखो रमजान इवेंट कब स्टार्ट होने वाला है, देखो 4-5 दिन के अंदर स्टार्ट हो रहा है, तो रमजान इवेंट के अंदर देखोगे तो बीडी और नेपाल सर्वर पे फ्री में मैजिक क्यूब रमजान इवेंट से मिलने वाला है, बट हमारा इंडियन सर्वर पे मैजिक क्यूब हमारा रमजान इवेंट से बहुत ही कम चांस है कि दे, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, तो बीडी सर्वर पे और नेपाल सर्वर पे रमजान इवेंट से मैजिक क्यूब फ्री में मिल जाएगा, यानी फुल मैजिक क्यूब जो कि भाई रमजान इवेंट से मिलने वाला है, और यहाँ पे रमजान इवेंट स्पेशल जो कि मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट भी हो जाएगा बीडी और नेपाल सर्वर के लिए। वाले वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई अगर तक वीडियो देखो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, लाइक का बटन आप लोगों को दिख रहा है ना, लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्यों कंजेसी, क्या चीज है भाई, लाइक कर दो, लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, इस तरीके का अमेजिंग वीडियोस आप लोग के लिए क्या आते रहता हूँ भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। भाई अगर आप लोग देखोगे काफी सारा बंदे का जो विश लिस्ट है इसके अंदर भाई हमारा थाला कैरेक्टर यानी भाई महेंद्र सिंह धोनी का जो कैरेक्टर है वो ऐड हो चुका है। इतना ही नहीं भाई हमारा विश लिस्ट के अंदर से वो थाला का भाई इमोट हेलीकॉप्टर शॉट वाला वो भी देखने को मिल रहा है, तो भाई हमारा थाला कैरेक्टर अब आने वाला है फाइनली, तो क्या हमारा फ्री फायर इंडिया भी आ रहा है सारा कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले भाई समझ लो सबसे पहले क्या है सीन, ये चीज एक बंदे से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले
समझ लो कि ये हुआ कैसे है। देखो यार, ये जो हमारा थाला कैरेक्टर है, आप लोगों को पता है आने वाला है, और ये हमारा फाइल के अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया, यानी जो चीज भी है फाइल के अंदर ऐड हो जाता है। फाइल को छेर वेर के कि वो थाला कैरेक्टर हमारा कौन सा फाइल में है, वो फाइल को वो ओपन कर लेता है। उसके बाद उस फाइल से जो वो लॉग इन कर लेता है अपना आईडी को, लॉग इन करने के बाद वो जो भाई सब कुछ दिख जाता है भाई, समझ लो ना, थाला कैरेक्टर हो गया, थाला का रिवॉर्ड्स भी दिख जाता है, उसे हम लोग डाटा माइनिंग कहते हैं। और वही चीज के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे आप लोग लाइक का बटन दिख रहा है, देखो यहाँ पे लाइक का बटन यहाँ पे कर देता है, उसके बाद विशलिस्ट में आ जाता है। और भाई यही चीज जो है ना, आईडी खोल खोल के यहाँ पे लव दे देता है, विशलिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अपना नोब आईडी के अंदर कर रहा हूँ, याद रखना, ये जो गाइस रियल आईडी के अंदर करोगे तो भाई गरीना बैन कर देगा, परमानेंट बैन हो जाएगा, बिकॉज ये गाइस अलाउ नहीं है भाई, समझ रहे हो, ये चीज अलाउ नहीं है। इसलिए यहाँ पे देख ही पा रहा हूँ, मैंने ये नोब आईडी के अंदर लॉग इन किया है। अगर आप लोग भाई जो जो बंदा भी अपना मेन रियल आईडी के अंदर कर रहा है ना भाई, बहुत ही खतरा है भाई, समझ रहे हो, ये विशलिस्ट के अंदर ऐड मत करना रियल आईडी के अंदर, मैं यही कहना चाहूंगा भाई। ये कहानी तो आप लोग समझ गए कि कैसे होता है ये सब, और ये सब मैंने आप लोग को समझा दिया, इसी बात पे लाइक करो यार। और काफी ज्यादा बंदे आप लोग को बताता नहीं है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे कर लेता है भाई। थाला कैरेक्टर के थीम के ऊपर और भी रिवॉर्ड्स, चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो गाइस, ये सभी रिवॉर्ड्स जो कि हमारा थाला का है। सबसे पहले तो आप लोग को थाला कैरेक्टर भाई ये क्यों है आप लोग को पता ही है, गाइस हमारा गेम के अंदर आने वाला है, कोलैबोरेशन हो रहा है तो इसलिए ना। और हेलीकॉप्टर शॉट वाला इमोट भी देख पा रहे हो आप लोग। अब मैं चाहूँ तो इसे भी लॉब देके अपना विश लिस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ, ऐसे जो कि ऐड हो जाता है भाई, समझ रहे हो। अब थाला कैरेक्टर का ये देख लो भाई, ये गन स्किन्स हो गया, अवतार बैनर भी आप लोगों ने देख लिया, ये जो कि गाइस एसीएटी का स्किन, सपोर्ट का स्किन देख लो, और यहाँ पे लूट बॉक्स हो गया, बैकपैक हो गया, ग्लूअल हो गया, भाई सारा कुछ है। अब यहाँ पे ये जो हमारा है सब रिवॉर्ड देख पा रहे हो, हमारा महेंद्र सिंह धोनी के थीम के ऊपर है। तो भाई ये कोलैबोरेशन का रिवॉर्ड है हमारा महेंद्र सिंह धोनी के साथ, और ये जब हमारा फ्री फायर इंडिया आएगा तब हमें ये कोलैबोरेशन का इमेज देखने मिलेगा भाई, फुल इवेंट देखने मिलेगा। अब भाई फ्री फायर इंडिया का ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट तो अभी तक नहीं निकल के आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ निकल रहा है कि भाई अब हमें फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड कुछ मिल सकता है। शूटिंग पे भी जा रहा है बहुत सारा क्रिएटर्स, तो हो सकता है वो होली स्पेशल के लिए कुछ म्यूजिक वीडियो या फिर कुछ शूट कर रहा है, लेकिन गाइस हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। तो फ्री फायर इंडिया के लिए तो हम लोग अभी वेट ही कर रहे हैं, अभी कोई भी ऑफिशियल डेट निकल के नहीं आया है, बट ये जब आएगा तो ये सारा हमारी जी की महेंद्र सिंह धोनी सर का कोलैबोरेशन का रिवॉर्ड है भाई, समझ रहे हो, ये सब कुछ है। और मैंने जो आपको कहा भाई, महेंद्र सिंह धोनी सर का जो करेक्टर है वैसे ही करके ऐड किया गया है, और प्लीज आप लोग इसे ऐड मत करना अपना रियल आईडी में। हेलो रिसोल भाई, मेरा आईडी के अंदर एमएस धोनी करेक्टर ऐड है, विशलिस्ट के अंदर चेक करो प्लीज। अरे भाई मैंने आप लोगों को कहा कि भाई मत करो अपना आईडी के अंदर, प्लीज भाई मत करो, अभी जाके विशलिस्ट के अंदर से हटा दो, बिकॉज अगर ये चीज रह गया ना, गरीना के अंदर आ गया तो भाई आपका आईडी तो जा सकता है, इसलिए भाई विशलिस्ट से हटा दो, रिस्क लो भाई जल्दी, जितना हो सके जल्दी करो भाई, जल्दी, बस भाई बोलूंगा इसी चीज से। भाई काफी ज्यादा तो क्रिएटर्स है ना भाई, वो भाई रियल चीज नहीं बताता कि भाई ये चीज कैसे होता है, क्यों होता है, उन लोगों को खुद नहीं पता होगा शायद भाई, पता नहीं कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भाई बता देता है भाई ऑडियंस को, समझ रहे हो। और वो लोग क्या करते हैं, अपना रियल आईडी का ऐड कर देते हैं, फिर आप लोगों को भाई पछताना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये देखो ये डाटा माइनिंग है, और डाटा माइनिंग इलीगल है, समझ रहे हो। और भाई जितना हो सके मैं बोलूंगा जल्दी से भाई रिमूव कर दो, और भाई आपका आईडी बच जाए, बस मेरा यही दुआ है। और भाई अगर भाई देखो यार समझाओ, अगर इतने क्रिएटर्स ने वीडियो बना दिया और नहीं बताया, उन लोगों के चलते अगर मान लो कि भाई किसी का आईडी बैन हो गया तो क्या कहोगे भाई, वैसे कैरेक्टर को आप लोग क्या करना चाहोगे भाई, मैं बोलूंगा वैसे कैरेक्टर को आप क्या बोलो यार, क्या करूं मैं बोलूंगा भाई, जितने भी मेरे भाई लोग हैं इस वीडियो को शेयर करना भाई दबा के, क्योंकि उन लोगों को सभी को ये वीडियो पहुंचना चाहिए यार, नहीं तो फिर आईडी बैन हो जाएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ जल्दी से रिमूव कर लो मेरे भाई, उतना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो मेरे भाई, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, गरीना वैसे भी किसी पे मेहरबान नहीं होता है, तो इसलिए भाई जल्दी से रिमूव कर दो। और आप लोगों ने सिर्फ ऐड किया है विशलिस्ट के अंदर, तो हटा दोगे तो उतना कुछ रिकॉर्ड बैठेगा नहीं गरीना के ऊपर, लेकिन अगर आप लोग लगा के रख देते हो और गरीना के नोटिस में आ जाते कि भाई सब लोग लगा के रखा है, तो उस टाइम फिर बैन कर देगा, इसलिए जल्दी से हटा दो। तो आई होप भाई लोग आप लोग समझ गए होंगे, और भाई क्या बोलूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर मानो भाई सभी के दोस्तों के साथ जितने भी फ्री फायर खेलता है, क्योंकि यही वीडियो है, क्योंकि बाकी सारा क्रिएटर्स तो बता दिया कि भाई वो ऐड करो ये वो ऐड कर लेते हो आप लोग, लेकिन भाई रियल चीज़ क्या है वो किसी को नहीं पता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना दबा के भाई, स्टोरी लगाओ कहाँ पे भी लगाओ भाई, प्लीज़ यार जल्दी से करो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके का इमेजिंग आपका रिसोल भाई ही बताता है, इसलिए भाई इसलिए बोल रहा हूँ।